किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बाग के फूल को इस बात का पता नहीं होता कि अगली सुबह वह मंदिर जाएगा या शमशान, इसीलिए अपनी जिंदगी हंस के जियो और बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हाय गाइस, आई एम अनिल श्रीवास्तव। एक छोटी सी कहानी जो अमेरिका के कपल की है, पति पत्नी की है। संजोग ऐसा होता है, शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों में फ्रैक्शन हो जाता है, और फ्रैक्शन मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसा मनमुटाव होता है कि पति को तलाक देना पड़ता है। और तलाक देने के बाद दोनों इस बात पर एक शर्त के साथ अलग होते हैं कि पत्नी कुछ डॉलर पति के जुर्माना के रूप में लेती है, पति से लेने की कोशिश करती है, और वो सैंक्शन होता है। होता है यूँ कि पति सब कुछ उसे दे देता है, और देने के बाद ये पता चलता है उसके पास मात्र $110 ही बचे हैं। पति अत्यंत चिंता में पड़ जाता है और वह व्यक्ति सुसाइड करने के लिए सोचता है। जैसे सुसाइड करने के लिए सोचता है, उसी समय एक उसके मन में ख्याल आता है कि अभी तो मेरे पास $110 बचे हुए हैं, क्यों ना इसका एंजॉय कर लें, फिर उसके बाद अपना सुसाइड करते हैं। फिर जाता है कैसीनो खेलने के लिए। कैसीनो एक गैम्बलिंग होती है, जुए की खेल होती है। जाता है, देखता है बड़ी लंबी लाइन लगी है, इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि ठीक उसके बगल में एक माइन है, गोल्ड माइन है, जिसकी नीलामी होने जा रही है। लेकिन उस गोल्ड माइन को खोदने के बाद भी जब गोल्ड नहीं निकला तो उसकी नीलामी होने जा रही है। यह पहुंचता है, देखता है एक गड्ढा ज़्यादा गहरा खोदा हुआ है, सोचता है कि जो $110 मेरे पास हैं इसी में फेंक के अपनी कब्र में बना लूँगा, किसी कोई वो नहीं है। और ऐसा संजोग देखिए कि सिर्फ एक ही व्यक्ति, यही व्यक्ति नीलामी में पहुँचता है, बाकी कोई नहीं पहुँचा रहता है। और यह गोल्ड माइन जब नीलामी होती है तो इसी के नाम हो जाती है। थका हारा निराश व्यक्ति सोचता है कि मतलब $110 जो है हमने वेस्ट किए, अब क्यों ना इसमें कूद के अपनी जान दे दें। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि जो मजदूर होते हैं उस गोल्ड माइन के आते हैं, कहते हैं साहब अब आप हमारे मालिक हो गए, बताइए क्या करें, क्योंकि हमें दिन भर की मजदूरी मिल गई है, अभी तो 12-1 बजे हैं, क्या करें। तब वो कहता है कि ठीक है गड्ढा खोदो। वे गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, बड़ी मुश्किल से 3 से 4 फीट गड्ढा खोदे ही रहते हैं कि गोल्ड शाइनिंग करते हुए दिखाई देता है। मजदूर चिल्ला उठते हैं, सर रिवर्स सो लकी, आप इतने भाग्यशाली हैं कि ये गोल्ड तो नीचे था, लोग ऊपर खोज रहे थे, और वह अरबों रुपए का मालिक बन जाता है। दोस्तों ऐसे ही होती है, विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन जीवन से भागने की ज़रूरत नहीं होती। एक नया उपाय, नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, और वो नया रास्ता निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें एक मंजिल पर ज़रूर पहुंचाएगा। मृत्यु तो अटल सत्य है, उसे कोई टाल ही नहीं सकता, तो क्यों उसके लिए हम परेशान होते हैं। हम परेशान हों अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने इस जीवन को जीवंत करने के लिए, एक नाम के लिए, जिससे न रहने पर लोग नाम लें, सम्मान के साथ नाम लें। हमारे बहुत सारे महापुरुष आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बड़े सम्मान और इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं। तो करो कुछ ऐसा, दुनिया करे आपके जैसा, बस ऐसा सोच होना चाहिए। और इसी के साथ आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए।